एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी आशिका बतीजा सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन होता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है एंड अगर प्रोविट अलॉटमेंट करना होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है और मैंने दोनों कोसेसिस पे आपको एक एक क्वेश्चन करा लिया था आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगर हमारे शेयर्स जो है अंडर सब्सक्राइब्ड होते हैं तो अंडर सब्सक्राइब में क्या होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टेन थाउजेंड शेयर्स को इशू किया है बट मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है ओनली एट थाउजेंड नाइन थाउजेंड है तो फिर सेवन थाउजेंड जत ठीक है अब सपोज अगर हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है सेवन थाउजेंड की सपोज एट थाउजेंड की एंड सपोज नाइन थाउजेंड की सो यहाँ पे सभी गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा बोला हुआ है कि अगर हमारे पास नाइन्टी परसेंट ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाए तो हम लोगों को जो है इशू कर देना है बट अगर हम लोग को 90 परसेंट शेयर्स से भी कम हमारे पास एप्लीकेशन आए तो हम लोगों को अपने शेयर्स इशू नहीं करने हैं सो फॉर एग्जांपल 10,000 का टेन uh, थाउजेंड का 90 परसेंट होता है 9,000। तो अगर हमारे पास 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशनज आए 9,100, 9,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में जितने भी एप्लीकेशन आए हम लोग उन सबको इशू कर सकते हैं क्योंकि वो नाइन्टी या तो फिर उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन है बट इन द केस अगर यहाँ पे नाइन्टी परसेंट से भी कम के एप्लीकेशन आए तो हम लोग इन शेयर्स को इशू नहीं कर सकते ओके सो सभी गाइडलाइंस ऐसा बोल दिया ओके सो यहाँ पे अंडर सब्सक्राइब के अंदर और कुछ भी नहीं है अगर नाइन्टी परसेंट से कम आए तो हम लोगों को उन शेयर्स को इशू नहीं करना है नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा है तो हम लोग उन शेयर्स को इशू कर सकते हैं ओके okay? सो so, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वोत्तम लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर फोर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रूपीस एंड ईच यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वोत्तम लिमिटेड है उसने फोर्टी थाउजेंड शेयर्स को इशू किया है और हर शेयर की वैल्यू है टेन रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट वॉज पेबल एप्लीकेशन थ्री रुपीज़ अलॉटमेंट फोर रुपीज़ एंड फाइनल कॉल थ्री रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड शेयर्स यानी कि यहाँ पे हम लोगों को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड शेयर्स की रिसीव हुई है ओके सो अगर हम लोग अब अगर हम लोग देखें तो फोर्टी थाउजेंड का नाइन्टी परसेंट क्या होता है थर्टी सिक्स थाउजेंड हम लोगों को थर्टी सिक्स थाउजेंड से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो हम लोग इन शेयर्स को इशू कर सकते हैं ओके okay. उसके बाद लिखा हुआ है अशोक टू होम वन थाउजेंड शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑल्सोर्सन अप्लाइड फॉर फोर फाइव हंड्रेड शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा जो अशोक है जो होल्ड कर रहा है वन थाउजेंड शेयर्स को उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे किया ठीक है एंड सोहन जो 500 हंड्रेड शेयर्स होल्ड करके बैठा है उसको हम लोगों ने मतलब उसने जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया ओके okay. कहते पहले अशोक और सोहन ने कितना कितना पे नहीं किया ये हमारी वर्किंग नोट्स है अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोगों को कितना पैसा नहीं मिला है अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोगों को फोर रुपीज़ चाहिए थे थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड से ठीक है जिसमें से थाउजेंड जिसने अशोक जो है जिसके थाउजेंड शेयर्स है उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है सो अलॉटमेंट के अंदर हम लोगों को कितने रुपीज़ नहीं मिला है अलॉटमेंट वन थाउजेंड इंटू फोर रुपीज़ यानी कि चार हजार रुपये हम लोगों को नहीं मिला है अलॉटमेंट के टाइम पे ठीक है अब हम लोग जो आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे तो एक तो जो अशोक ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अशोक नहीं पे करेगा वन थाउजेंड शेयर्स को जो होल्ड कर रहा है सो अशोक के वन थाउजेंड शेयर्स वो होल्ड कर रहा है वन थाउजेंड इंटू इसके रुपीज कितने हैं थ्री सो थ्री थाउजेंड शेयर्स नहीं मिलेंगे अशोक के और सोहन के फाइव हंड्रेड शेयर्स है और उसको जो है वो थ्री रुपीज पे नहीं करेगा सो फाइव हंड्रेड इंटू थ्री इज फिफ्टीन हंड्रेड सो फोर्टी फाइव हंड्रेड अमाउंट जो है हम लोगों को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिलेगा ओके okay, यहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग नोट कर ली अब हम लोगों के लिए शेयर्स की एंट्री करना बहुत ईजी है फर्स्ट जर्नल एंट्री से यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ठीक है हम लोगों को थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड के लिए एप्लीकेशन आई थी ओके सो so, थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड इंटू थ्री रुपीज थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड इंटू थ्री हम लोगों को पैसे मिले होंगे वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके सेकेंड जो भी शेयर एप्लीकेशन की मनी है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल के अंदर वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू शेयर कैपिटल वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके थर्ड वाली एंट्री देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अलॉटमेंट सो so, अलॉटमेंट हम लोग कॉल डप करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट uh, हम लोग को कितने पैसे चाहिए थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड पे फोर रुपीज थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड टू फोर इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ओके फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट हम लोगों को पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोगों को देखो अलॉटमेंट के टाइम पे चार हजार रुपये नहीं मिलेंगे तो वन लाख फिफ्टी में से अगर हम लोग फोर थाउजेंड माइनस कर देंगे तो so, हम लोगों को वन लाख फोर्टी फोर्टी सिक्स थाउजेंड मिलेंगे ठीक है सो वन लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा ओके okay? फिफ्थ हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कॉल करेंगे सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने चाहिए थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड पे फिर से थ्री रुपीज सो वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू शेयर कैपिटल वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके अब सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों को पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ओके इतने पैसे नहीं मिलेंगे फोर्टी फाइव हंड्रेड जिसमें से अशोक के थ्री थाउजेंड नहीं मिलेंगे एंड सोहन के फिफ्टीन हंड्रेड नहीं मिलेंगे ओके वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से फोर्टी फाइव हंड्रेड माइनस कर देंगे तो हम लोगों को पैसा मिलेगा वन लैख एट थाउजेंड ओके okay? हो समझ में आ गया होगा अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कुछ भी नहीं होता अगर हम लोगों को शेयर्स की वैल्यू शेयर्स की एप्लीकेशन 90 परसेंट से कम आती है तो हम लोगों को शेयर्स को इश्यू नहीं करना है और शेयर्स की एप्लीकेशन अगर 90 परसेंट से ज़्यादा आती है ठीक है या तो फिर हंड्रेड से ज़्यादा तो हम लोग ईजिली जो है शेयर्स को इशू कर सकते हैं बाकी जो भी जर्नल एंट्रीज है जैसे हम लोग अभी तक करते आने हैं बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है वही ही करनी है बस आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि हम लोगों ने इशू कितने किए हैं और हम लोगों को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है ओके okay, सो so कभी कभी अप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब भी हो जाती है उसके हम लोगों ने केसेस देख लिए एंड कभी कभी अंडर सब्सक्राइब भी हो जाता है उसको हम लोगों ने केसेस देख लिए जिसके अंदर खाली नाइन्टी परसेंट से कम होता है तो हम लोग उसके अंदर शेयर्स इशू नहीं करते नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा होता है तो हम लोग शेयर्स को ईजिली इशू कर सकते हैं ओके एंड सिंपल जो बेसिक जर्नल एंट्रीज़ करते हैं वो किया और यहाँ पर अशोक ने कितना पे नहीं किया हम लोगों ने वो देखा अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोगों को कितना नहीं मिलेगा वो देखा और सोहन और अशोक ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे कितना पे नहीं किया वो देखा एंड इसके हिसाब से ही हम लोगों ने बैंक के अंदर अमाउंट लिखा ओके सो यहाँ पे हम लोगों का पैसा मिलेगा शेयर एप्लीकेशन के थ्रू तरह तो में हम लोग सेकेंड एंट्री के अंदर शेयर एप्लीकेशन की मनी शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे थर्ड के अंदर शेयर अलॉटमेंट मनी को हम लोग कॉल्ड अप करेंगे फोर्थ के अंदर हम लोगों को वन लाख फिफ्टी थाउजेंड मिलना चाहिए थे बट अशोक जो थाउजेंड शेयर्स को होल्ड कर रहा था उसने अलॉटमेंट मनी फोर रुपीज़ की नहीं पे की सो फोर थाउजेंड हम लोगों को नहीं मिलेंगे ओके okay? उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम लोगों ने कॉलडप किया उसके बाद हम लोगों को वापस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर अशोक जो थाउजेंड शेयर्स को होल्ड कर रहा था उसने थ्री रुपीज़ परस एंड फाइनल कॉल की नहीं पे की एंड सोहन जो फाइव हंड्रेड शेयर्स को होल्ड कर रहा था उसने भी थ्री रुपीज़ परस एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए तो टोटल हम लोगों को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थ्री थाउजेंड अशोक के नहीं मिले फिफ्टीन हंड्रेड हम लोगों को सोहन के नहीं मिले तो फोर्टी फाइव हंड्रेड हम लोगों को नहीं मिले सो वन लाख ट्वेल थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो हम लोगों को मिलने वाले थे उसमें से हम लोग फोर्टी फाइव हंड्रेड माइनस कर देंगे तो हम लोगों को बैंक का अमाउंट मिल जाएगा वन लाख एट थाउजेंड ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय